आज हेल्थ टॉक पे हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के बारे में, बच्चों में होने वाली मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में, और ये भी कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का क्या रिलेशन है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर बी के वड़ैच, जो साइकेट्रिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर वड़ैच। थैंक यू मनमीत, इट्स माई प्लेजर टू बी हियर। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूँगी कि मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर में क्या अंतर है। मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर में यही अंतर है कि मेंटल डिसऑर्डर का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई बीमारी ही है, पर मेंटल हेल्थ एज इट इज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे हम फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हम जो हमारी जो मानसिक हेल्थ है, अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिजिकल हेल्थ भी डिटीरियोरेट करेगी। जी, बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो वो पागलपन है, तो इसमें क्या अंतर होता है पागलपन और मेंटल डिसऑर्डर में, ये हमारे लिसनर्स को बताइए। एक्चुअली मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि सपोज़ आपको ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, या आपको दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, या आपको हार्ट अटैक हो गया है, तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको माइनर प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे सिर्फ पैल्पिटेशंस हो रही हैं, कोई हार्ट अटैक नहीं है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, पर आप फिर भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो इसी तरह मेंटल हेल्थ में क्या होता है कि माइनर प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे किसी को नींद ना आना, वैसे ही सारा दिन टेंशन रहना, मतलब कोशिश करने के बावजूद भी तनाव रहना, और कोशिश करने के बावजूद भी दिमाग में कुछ ना कुछ ख्याल घूमते रहना, जिनको हम बोलते हैं ऑब्सेसिव थॉट्स या रूमिनेशंस। मतलब लोग आकर बोलते हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, पर फिर भी एकदम बहुत बेचैनी हो जाती है। तो ये तो माइनर प्रॉब्लम्स हो गई, है ना, तो इनको तो हम पागलपन नहीं कह सकते ना, ये तो हम लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं, किसी को भी हो सकते हैं। और एक होता है थोड़ी सी सिवियर इलनेस, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, या बाइपोलर डिसऑर्डर माइनर भी हो सकता है और मेजर भी हो सकता है, या माइनर डिप्रेशन एंड मेजर डिप्रेशन। तो जो सिवियर प्रॉब्लम्स हैं उसमें कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा बिहेवियर ऑड हो जाता है, जैसे आप कई बार देखते हैं लोगों को सड़कों पे चल रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं मुंह में, तो हम उसको कॉमन लैंग्वेज में पागलपन बोलते हैं। परंतु ये भी बहुत गलत है, क्योंकि दवाइयों के साथ वो लोग भी बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो ये नहीं है कि मेंटल इलनेस है तो पागलपन ही है। आपको इनसोम्निया हो सकता है, स्लीप प्रॉब्लम हो सकती है, पैनिक अटैक्स हो सकते हैं, तो ये तो कोई पागलपन नहीं है ना। बहुत आम धारणा है कि अगर आप एक साइकेट्रिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो मतलब आपको पागलपन है, या आपको कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, जो पागलपन नहीं है तो पागलपन के करीब है। ये एक बहुत आम सी धारणा है जो हमारे लिसनर्स में पाई जाती है। हाँ, ये पहले बहुत होता था, मगर अब ये काफ़ी बदल गया है। अब बहुत से लोग आते हैं, जैसे लोगों के पास रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस है। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से कि जब मैं भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी एमडी में, मैं भी जाके अपने सीनियर कंसल्टेंट से बात करती थी, बिकॉज आपको भी कई बातें आपकी माइंड में वे करती हैं, आपसे कई बार पढ़ाई नहीं की जाती, तो अगर आप वो किसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं, काउंसलिंग ले लेते हैं, और वो आपको हेल्प करता है, तो वाई नॉट, यू नो। हमें कोई भी हमें पेट खराब हो जाता है, या पेट में दर्द होता है, या पीठ में दर्द होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, या हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं जब हमारे दांतों में कुछ खराब होने लगता है। अगर हम टाइम से जाएंगे तो वो दांत बच जाएगा जी। अगर हम लेट जाएंगे तो वो निकालना पड़ेगा या रूट कनाल कराना पड़ेगा जी। तो इसी तरह मेंटल स्ट्रेस में भी है, अगर हम टाइम से, हमें लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, जाकर किसी से डिस्कस कर ले, अगर ज़रूरत पड़े तो दवाई भी ले ले। ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि दवाइयाँ नुकसान करती हैं। आम तौर पे हम नशे की कोई दवाई नहीं देते, नॉर्मली जो दवाइयाँ होती हैं वो भी अगर ज़रूरत पड़े तभी देते हैं, और हम आई स्पेसिफिकली टेल पीपल कि आप पूछो
कि इसके क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए. पर आमतौर पे कोई ऐसी दवाई जिससे नशा हो या नींद ज़्यादा है, वो हम अवॉइड करते हैं जी. उसकी ज़रूरत पड़ती भी नहीं. बेसिकली ये क्या होते हैं कि आपकी ब्रेन में कुछ केमिकल्स बढ़ाते हैं जिससे आप बेटर फील करते हैं. क्योंकि डिप्रेशन में और एंग्जाइटी में क्या होता है कि कुछ न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, हाँ एंडोर्फिन्स, नॉरएपिनेफ्रिन, तो इनके लेवल्स कई बार कम हो जाते हैं. तो दीज मेडिसिन्स आर लाइक अ वाइटामिन फॉर द ब्रेन. यू नो, अगर आपको वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आप वाइटामिन B12 लेंगे, आयरन की डेफिशिएंसी है तो आयरन लेंगे. तो इसी तरह अगर ब्रेन में कुछ ये सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी है तो आप वो केमिकल्स ले सकते हैं जिससे सेरोटोनिन बढ़े. जी, आपने दवाइयों की बात की, एक चीज़ जानना चाहूँगी कि एक साइकोलॉजिस्ट और एक साइकैट्रिस्ट में क्या अंतर है? एक साइकैट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं जिन्होंने MBBS किया होता है और फिर उसके बाद में MD की होती है, 3 साल की स्पेशलाइज किया होता है साइकाइट्री में. और साइकोलॉजिस्ट आम तौर पर जैसे किसी ने MA की है साइकोलॉजी में और उसके बाद MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी या PhD इन क्लिनिकल साइकोलॉजी की है, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है. हमारे यहाँ इंडिया में ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को पता ही नहीं कोई भी साइकोलॉजिस्ट बन सकता है, तो वो भी बात सही नहीं है. चंडीगढ़ में किस तरह के केसेस आप ज़्यादा देखते हैं मेंटल डिसऑर्डर के? आजकल कौन से केसेस हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं? एक्चुअली देखिए मनमीत, डिप्रेशन तो बढ़ ही रहा है ना. हमारा जो लाइफस्टाइल है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, बच्चों पे बहुत स्ट्रेस है, तो चाइल्डहुड डिप्रेशन भी बढ़ रहा है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, देन ड्रग एडिक्शंस, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये कई बार बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं, स्कूल्स में भी शुरू हो जाते हैं. स्मोकिंग को जैसे गेटवे ड्रग बोलते हैं, तो कई बार वहाँ से ही शुरुआत होती है. उसके बाद जाके और ड्रग्स होते हैं जैसे कैप्सूल्स या कॉफ सिरप्स या ये सब जो नशे होते हैं, इनके भी कई बार लोग आदि हो जाते हैं. इसके अलावा जैसे पैनिक अटैक्स, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एंड कई बार 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 फिजिकल सिम्टम्स होना, जिनको हम बोलते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, टेंशन हेडेक होना, एंड स्किज़ोफ्रेनिया का रेट तो हमेशा सेम ही रहा है, वो बढ़ता नहीं है. इन इलनेस, इन डिसऑर्डर्स के बढ़ने का क्या कारण है? इन डिसऑर्डर्स का बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है ये जो हमारा समाज में जो चेंज आ रहा है, सोसाइटी में जो चेंज आ रहा है. जैसे पहले आपको भी याद होगा 15-20 साल पहले हम आराम से बैठते थे दोपहर को, एंड सब लोग या तो सोते थे, शाम को थोड़ा सा टीवी देख लेते थे, या ज़्यादातर लोग बाहर खेलते थे जी. एक दूसरे से बहुत मिलना जुलना था जी. सोशल कॉन्टैक्ट ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी है. लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर है, बच्चों पर भी प्रेशर है, सोशल इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है. पहले अगर आप पेरेंट्स की नहीं सुनते थे तो कोई और रिश्तेदार की सुन लेते थे जी. तो आजकल क्या होता है, पेरेंट्स की नहीं सुनते तो कोई और रिश्तेदार है ही नहीं है या बहुत दूर दूर हैं. तो इन चीज़ों से क्या हो रहा है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बच्चों पर प्रेशर बहुत है कि अच्छी जॉब होनी चाहिए, अच्छे पैसे कमाने चाहिए. तो इन चीज़ों से जो डिप्रेशन है उसका रेट बहुत बढ़ रहा है. जैसे कई बार कॉरपोरेट के लोग भी आते हैं, वो बोलते हैं हमें कोई टेंशन नहीं है, बट व्हाट हैपेंस इज कि उनको कई बार पैनिक अटैक्स होने लग जाते हैं और वो फट जाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास. तो वो बोलते हैं कि हमें कोई टेंशन है ही नहीं है, बट दे डोंट रियलाइज कि जो इनका लाइफ स्टाइल है, अगर आप सारा दिन काम कर रहे हैं, सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक 10 बजे तक, अपनी बॉडी को भी तो ब्रेक चाहिए ना जी. सो दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स जी. बच्चों में आजकल डिप्रेशन बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, सिर्फ प्रेशर, स्टडीज़ या लाइफस्टाइल है, या इसका कोई और भी रीज़न है? नहीं, मेन रीज़न तो यही है कि लाइफस्टाइल जो हमारा है बहुत चेंज हो गया है. एंड जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप्स जो हैं आजकल वो थोड़ी कम हो गई हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स,
ऑल और रिलेटिव्स के साथ रिलेशनशिप्स, इमोशनल बॉन्डिंग नहीं, इमोशनल बॉन्डिंग कजन्स के साथ, पहले होता था कि छुट्टियों में सब कजन्स इकट्ठे होते थे, मिलते थे, तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता था जी. अगर एक बच्चे में कुछ डेफिसिट्स हैं, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स कम हैं या वो स्ट्रेस जल्दी लेता है, तो वो किसी और से समझ लेता था कि इट्स ओके, आप ऐसे भी डील कर सकते हो. तो वो समहाउ फैमिली थेरेपी, फैमिली काउंसलिंग हो जाती थी. तो अब वो नहीं हो रहा. एंड दूसरा ये भी है कि पेरेंट्स डोंट रियलाइज इट समटाइम्स, पर वो जैसे अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं वो रोल मॉडल बन जाते हैं जी. तो बच्चे भी वही पिकअप करते हैं. अगर हम उनको बोलते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए, पर हम अपने आप वो कर रहे हैं. अगर हम उनको बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और आपस में हम रिलेशनशिप्स में एक दूसरे के साथ झूठ बोल रहे हैं, उनको बोलते हैं लड़ना नहीं चाहिए और आपस में लड़ते रहते हैं, उनको बोलते हैं कि शराब पीना खराब है पर अपने आप पीते रहते हैं, तो वो रोल मॉडल बन जाते हैं बच्चों के लिए और वहाँ से बच्चे बहुत कुछ पिकअप करते हैं. तो ये चीज़ें हैं कि थोड़ा सा ये भी बदलाव आ गया है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे अच्छा करें, तो ट्यूशन कितनी यंग एज पर शुरू हो जाती है एंड बच्चों को वो खेलने का टाइम नहीं मिलता. आजकल बोलते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड टाइम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए. ये नहीं कि आप सुबह स्कूल गए, छुट्टियों में आप छुट्टियों में भी आजकल कैंप्स में जाते हैं जी. शाम को फिर टेनिस क्लास है, फिर कोई और क्लास है, म्यूजिक क्लास है. तो दीज डेज स्टडीज में ये भी देखा गया है कि अनस्ट्रक्चर्ड टाइम भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए सीखने के लिए. नहीं तो वही है ना, थोड़ा सा हमें नहीं टेंशन रहती कि हमें अभी यहाँ काम पे जाना है, शाम को ये करना है जी. फिर परसों ये करना है, तो बच्चों को भी हो जाता है शाम को म्यूजिक क्लास है, फिर टेनिस लेसन है, फिर वो है, फिर मेरा होमवर्क कंप्लीट करना जी. है. सो वी आर क्रिएटिंग दैट स्ट्रेस वेरी अर्ली फॉर देम. यस, जैसे हम दूसरी बीमारियों के लिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो मेंटल इलनेसेस, मेंटल डिसऑर्डर्स को किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं हमारी रोज की जिंदगी में? बेसिकली बाय अर्ली रिकग्निशन, है ना. एक तो अर्ली रिकग्निशन है, दूसरा है कि स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट थोड़ा क्रिएट करना. बच्चों को जल्दी ही हमें सिखाना चाहिए हाउ टू डील विद सिचुएशंस, हाउ टू थिंक पॉजिटिवली. जैसे फॉर एग्जांपल आजकल पॉजिटिव साइकोलॉजी पे बहुत स्ट्रेस है, तो बोलते हैं कि थोड़ा सा बच्चों को हम सिखा सकते हैं हाउ टू कैच देयर थॉट्स एंड मेक देम मोर पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल अगर कई बार मुझे तनाव हो रहा होता है या मैं थोड़ा सा अपसेट हो रही होती हूँ किसी बात पे, तो मैंने अपने बेटे को बोला हुआ है कि जस्ट टेल मी के मॉम रिलैक्स, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. तो वो मुझे बोल देता है एंड आई ऑल्सो नो इट, बट वो जब आपको कोई बोल देता है तो यू नो एकदम थोड़ा सा यू से ओके या यू आर फाइन, यू आर राइट, कि ठीक है, हाँ इतनी कोई बड़ी बात नहीं है जी. तो जब हम बच्चों को सिखाते हैं ये बोलना, तो ऑटोमेटिकली वो फिर जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होंगे, दे अपने आप को वो काम डाउन कराना सीख लेते हैं. सो वी हैव टू टीच देम हाउ टू काम देम सेल्व्स डाउन, हाउ टू रिएक्ट टू सिचुएशंस के मतलब जिसको पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं, ये हम अगर हम प्रैक्टिस करेंगे वो भी सीखेंगे. अगर हमें गुस्सा आता है तो हम बोलें कि ओह आई नीड टू टेक अ टाइम आउट, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं अपसेट हो रही हूँ, तो अभी इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते, मैं जाके एक कप चाय पीती हूँ, थोड़ा सा म्यूज़िक सुनती हूँ, फिर हम ये शाम को डिस्कस कर लेंगे. फिर बच्चे भी सीखते हैं कि गुस्सा आ रहा है, आपको ज़रूरी नहीं कि गुस्सा करना ही है जी. आप उसको डिले भी कर सकते हो जी. वो चीज़ आप शाम को आराम से बैठ के भी डिस्कस कर सकते हो. तो अगर हम ही बच्चों पर शाउट करेंगे तो वो भी सीखेंगे कि शाउट करना ठीक है. अगर हम उन्हें मारेंगे तो उनको लगेगा ये भी ठीक है. इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि जो बच्चे जिनको बचपन में फिजिकल वायलेंस होती है, चाहे वो थोड़ी ही हो, वो जब बड़े होते हैं वो भी सोचते हैं ये ठीक है, और वो भी फिर अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा फिजिकल वायलेंस यूज़ करते हैं. तो ये सब चीज़ें आई फील बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. बाकी वर्क प्लेस में भी, जैसे वर्क प्लेस एनवायरनमेंट अच्छी हो, आजकल क्योंकि औरतें भी काम कर रही हैं तो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट से भी बहुत फर्क पड़ता है. कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करना, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करना और बच्चों के भी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. असर्टिवनेस सीखना, असर्टिवनेस स्किल्स, जो लोग असर्टिव होते हैं वो
कम तनाव फेस करते हैं. असर्टिव का ये मतलब नहीं है कि हम अग्रेसिव हों, पर से नो, हाँ वी मस्ट लर्न टू से नो एंड जो हमारे माइंड में हम बोले कि ओके आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग बट इन माय ओपिनियन दिस इज दिस दिस दिस. ये आम जिंदगी की बात हुई, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं या ऐसे कौन से साइंस हैं जिसे देख के हमें समझ जाना चाहिए कि अब हमें डॉक्टर की ज़रूरत है, अब हम इन चीज़ों को खुद हैंडल नहीं कर पाते हैं. नहीं, कई लोग मतलब ये समझ जाते हैं जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो सारा दिन तनाव में रहते हैं, या कई बार नींद कम हो जाती है, भूख कम लगने लगती है, फिजिकल कंप्लेंट्स होने लग जाते हैं जैसे सिर दर्द या पेट में दर्द या बॉडी में कई जगह गर्दन में दर्द जिसका कोई मेडिकल कारण नहीं होता. ये बहुत कॉमन होता है इंडिया में. इसके अलावा जैसे चीज़ों में दिलचस्पी कम हो जाना एंड सारा टाइम मन में बार बार बुरे बुरे ख्याल आना, तो लोग इन चीज़ों के कारण भी आते हैं. फिर एक और बड़ा सिम्टम है रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ जाना, मैरिटल प्रॉब्लम्स कई बार आ जाती हैं, वो उसका कारण कई बार डिप्रेशन ही हो सकता है. एंड इसके अलावा जैसे वर्क में एब्सेंट होना, दिल ना करना काम पे जाने का, या अल्कोहल ज़्यादा पीने लग जाना, स्मोकिंग ज़्यादा करने लग जाना. सो ये जो चीज़ें जिससे हम अपना नुकसान करते हैं, ये सब सिम्टम्स हैं. और अगर हम इनको जल्दी पकड़ लें और जल्दी आए तो डॉक्टर के पास, तो बहुत फ़र्क पड़ता है. बच्चों में थोड़े से सिम्टम्स अलग होते हैं, जैसे चेंज इन बिहेवियर. बच्चों में कई बार लॉस ऑफ एपेटाइट की जगह एपेटाइट बढ़ जाता है और वो वेट पुट ऑन कर लेते हैं. चिड़चिड़ापन, फॉल इन ग्रेड्स, क्या उनके जो नंबर होते हैं आगे से कम हो जाते हैं. सोशल विड्रॉल, के बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं मिलना. एंड हेडेक, स्टमक एक, फिजिकल सिम्टम्स. सो बच्चों में अगर ये थोड़ी बिहेवियर चेंजेस आए तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए. जब हम एक थेरेपी सेशन के लिए जाते हैं एक डॉक्टर के पास, तो उसमें एग्जैक्टली क्या होता है? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो हिस्ट्री टेकिंग होती है. हम जो आदमी आया है उसके साथ बात करते हैं, उनकी थोड़ी हिस्ट्री लेते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं. फिर साथ में जो उनके रिश्तेदार आया है, इन्फॉर्मेंट, उससे भी पूछते हैं. क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है. कई बार हमें जो पेशेंट है कुछ बोलता है पर इन्फॉर्मेंट कुछ बोलता है, तो उसको फिर इकट्ठा जोड़ के हमें डिसाइड करना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है. तो इसमें आप मेडिकेशंस भी देते हैं? हाँ, वी डू काउंसलिंग ऑल्सो एंड इफ रिक्वायर्ड फिर कई बार मेडिकेशन देते हैं. हिप्नोथेरेपी कितनी सक्सेसफुल है और किन लोगों को उसके लिए ऑप्ट करना चाहिए? जी, जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, क्या इसमें जो पेशेंट है उसकी रजामंदी की ज़रूरत होती है या नहीं? हिप्नोथेरेपी, मैं पहले ये बताती हूँ कि हिप्नोथेरेपी कई पेशेंट्स में काफ़ी लाभदायक है, पर वो पेशेंट्स वो होते हैं जो ओपन टू सजेशन होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि दे आर हाई इन सजेस्टेबिलिटी, तो उन लोगों में हिप्नोथेरेपी काम करती है. अगर कोई हिप्नोथेरेपी में इतना विश्वास नहीं रखता तो उसको आप ज़बरदस्ती हिप्नोटाइज नहीं कर सकते. हिप्नोथेरेपी यूजुअली माइनर एंग्जाइटी डिसऑर्डर, स्लीप प्रॉब्लम्स, कभी कभी स्मोकिंग छुड़वाने के लिए, ऐसी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं, या जिसका किसी का लॉस हुआ हो, किसी डेथ हुई हो फैमिली में, तो उन केसेस में वो हेल्प कर सकता है. मगर अगर किसी का विश्वास नहीं है हिप्नोथेरेपी में तो फिर वो फ़ायदा नहीं करता. और कई बार क्या होता है कि हिप्नोथेरेपी थोड़ी देर के लिए आपके वो सिम्टम्स चले जाते हैं, पर हो सकता है कि कुछ देर के बाद वो वापस आ जाए, तो थोड़ा फॉलो अप इम्पॉर्टेंट होता है. इसके अलावा जो आपने दूसरा सवाल पूछा था कि परमिशन की ज़रूरत होती है हमें? नहीं, हमेशा नहीं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रग्स में भी देखा गया है, जैसे लोग बोलते हैं कि इसकी मर्जी हो तभी छोड़ सकता है, तो ऐसे नहीं होता. ये भी देखा गया है कि कई बार आप किसी को थोड़ा सा फैमिली प्रेशर दे, थोड़ा सा कि नो आपको ज़रूर जाना है, यू हैव टू डू दिस, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है. इवन इफ़ यू फोर्स अ पर्सन एट टाइम्स, जब वो थोड़ा सा नशे के प्रभाव से बाहर निकल जाते हैं तो फिर वो अपने आप सोचने लग जाते हैं. तो ज़रूरी नहीं होता कि हर बार वो
अपनी रजामंदी से आएं, और इनफैक्ट इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट भी अलाउड है अंडर लॉ। अगर कोई नहीं आना चाहता पर आपको लगता है कि इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो कई बार इनवॉलंटरी ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं। एज अ डॉक्टर यू कैन कॉल फॉर इट एज अ हाँ टू डॉक्टर्स हैव टू सर्टिफाई कि इनको ज़रूरत है जी। हम डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, ये टर्म्स बहुत वाइडली यूज़ करते हैं, ये इनमें अंतर है या ये एक ही चीज़ है? क्या है डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंग्जाइटी? नहीं, इनमें अंतर है। डिप्रेशन नॉर्मली हम तब बोलते हैं अगर किसी को एटलीस्ट 2 हफ्तों के लिए लगातार सारा दिन, मतलब परसिस्टेंट उदासी रहती है। कभी कभी उदासी तो किसी को भी हो जाती है, है ना, तो उसको हम डिप्रेशन नहीं बोलेंगे। तो मतलब अगर वो लगातार रह रही है, आपका दिल नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, आपको हर चीज़ बहुत एफर्ट लग रही है, नींद भी कम आ रही है, भूख में भी फर्क पड़ गया है, तो तब हम उसको डिप्रेशन बोलते हैं। एंग्जाइटी में थोड़ा जो फिजिकल सिम्टम्स है जैसे हार्ट बीट बहुत बढ़ जाना, माथे पे तरेलियाँ आना, हाथ पैर कांपना और बहुत घबराहट होनी, एंग्जाइटी हम उसको बोलते हैं। तो एंग्जाइटी ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों को एंग्जाइटी अटैक्स होते हैं उनको डिप्रेशन भी है जी। तो ये जो एंग्जाइटी अटैक्स होते हैं या डिप्रेशन अगर किसी को होता है तो इसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास जाकर ही हो, या हम ऐसे कोई सुझाव है जो हम अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं जिनसे हमारा स्ट्रेस लेवल या डिप्रेशन या एंग्जाइटी कम हो जाए? हाँ, कई लोग अपने आप भी, मतलब जो माइनर डिप्रेशन होती है या माइनर एंग्जाइटी होती है, कई लोग उसको अपने आप ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा रूटीन रखें और थोड़ा सा टाइम को मैनेज करें, ऑर्गेनाइज्ड रखें अपना डे, रोज़ सुबह उठकर थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर करें, बिकॉज एक्सरसाइज से नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट्स बनते हैं। थोड़ी योगा से भी बहुत हेल्प होती है, क्योंकि पर योगा का हमें अच्छी तरह सही तरीके से सीखनी चाहिए। अगर हम टीवी पर देखकर कर रहे हैं तो वो कई बार गलत हो जाती है और उससे कई बार लोगों को सीवियर बैक प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। तो अगर हम सही तरीके से किसी सही आदमी से सीखें तब वो फ़ायदेमंद होती है, और इसको रोज़मर्रा अगर हम करें तभी फ़ायदा आएगा ना जी। अगर हम अपनी डाइट में भी कोई चेंज लाते हैं तो हम 6 महीनों के लिए वो चेंज ला कर रखें फिर फ़र्क पड़ता है, ये नहीं कि अगर हम 2 दिन एक्सरसाइज की 2 दिन नहीं की तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एक्सरसाइज, योगा, इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। थोड़ी चीज़ें हमें ये अपने स्वभाव में भी समझना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, दूसरा कि हम किस चीज़ को बदल सकते हैं किसको नहीं बदल सकते। वी शुड नो व्हाट वी कैन चेंज एंड व्हाट वी कांट। अगर हम किसी के कारण परेशान हैं कि वो मेरे को ऐसे क्यों बोलते हैं या वो मुझे हमेशा निंदा क्यों करता है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दैट पर्सन इज़ लाइक दैट, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं क्यों रिएक्ट कर रही हूँ, मुझे अपने आप पर विश्वास है। तो अपना आत्मसम्मान अच्छा होना, तो हम अपने आप को थोड़ा सा सजेशंस, जिसको बोलते हैं ऑटो सजेशंस, दे सकते हैं कि रिलैक्स, मुझे अपने आप पे भरोसा है। अगर हम रोज़ अपने आप को ये बोलें तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। हम सोचते हैं कि ये हमें पता है, पर कई बार हमें जब कोई निंदा करता है, कोई कुछ करता है, तो हम एकदम गिर से जाते हैं जी। तो अपने आप को अगर हम रोज़ ही बोलना सीखें, बच्चों को बोलना सिखाएं, तो जब कभी भी हम थोड़ा उदास होंगे, अगर हम अपने आप को ये लफ्ज़ ही बोल लें कि रिलैक्स, मुझे अपने आप पे भरोसा है, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई ज़िंदगी का अंत नहीं है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो वो 2-3 चीज़ों से ही हम अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं, ऑटो सजेशन कर सकते हैं अपने आप को। तो हम नॉर्मली लोगों को यही सिखाते हैं, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, के अपने आप को आप कैसे रिलैक्स कर सकते हो जी। तो उससे लॉन्ग टर्म बहुत फ़ायदा होता है, बार बार डिप्रेशन नहीं होती, बार बार एंग्जाइटी अटैक्स नहीं होते। बहुत अच्छी टेक्निक बताई आपने। एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि स्ट्रेस क्या फिजिकल डिसऑर्डर्स का कारण बनती है, और अगर बनती है तो ऐसे कौन कौन से फिजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो स्ट्रेस के कारण आजकल देखे जाते हैं?
स्ट्रेस तो बहुत बड़ा कारण है फिज़िकल डिसऑर्डर्स का. आपको पता ही होगा कि आजकल जैसे बच्चों में मैंने बोला फिज़िकल प्रॉब्लम्स, हेडेक्स, स्टमक एक्स, आई मीन यू विल बी सरप्राइज्ड समटाइम्स पेरेंट्स कम टू यू यू नो विद प्रॉब्लम्स लाइक इस यूरिन नहीं पास हो रहा बच्चे का, या मतलब इसको बहुत पेट दर्द हो रहा है, बहुत सिर दर्द हो रहा है, एक एक महीने बच्चे स्कूल नहीं जाते, फिर आपके पास दूसरे डॉक्टर्स रेफर करते हैं कि इनको तो कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है ही नहीं. और जब आप देखो तो वो मतलब पेरेंटिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल. पहले में भी ये होता था कि ग्रैंड पेरेंट्स कोई और अंकल आंटी बोलता था कि नहीं स्कूल ज़रूर भेजना है, कोई बात नहीं, इग्नोर दी सिम्टम्स, तो वो ठीक हो जाते थे. पर अब ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं. तो एक तो ये हो बच्चों में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं फिज़िकल स्ट्रेस की वजह से वो, और जो एडल्ट्स में प्रॉब्लम्स होती हैं स्ट्रेस की वजह से, फिज़िकल मैनिफेस्टेशन. तो बेसिकली स्ट्रेस की वजह से एडल्ट्स में जैसे हेडेक्स बहुत कॉमन है, खासकर जो औरतें हैं उनमें हेडेक्स, बैक एक, नेक एक एंड स्टमक एक्स, ये मतलब हर जगह दर्द होना, वो सब बहुत कॉमन होता है. इसके अलावा स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है. स्ट्रेस का अस्थमा के साथ भी लिंक रहा है एंड स्ट्रेस का हार्ट डिजीज से भी. आजकल जो लोगों को जल्दी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, एक तो कारण है कि ठीक है डाइट अच्छी नहीं होती, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, पर स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है. सी स्ट्रेस होता क्या है, अगर आप जंगल में हैं और वहाँ कोई शेर आ जाता है तो एकदम आपकी बॉडी टेंस हो जाएगी, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, योर बीपी विल राइज, तो आप या तो भागोगे या लड़ोगे, फाइट और फ्लाइट. हाँ, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन जिसको बोलते हैं जी. तो ये अगर थोड़ी देर के लिए होता है तो ठीक है, पर क्रॉनिक स्ट्रेस में क्या होता है कि बॉडी सारा टाइम हाई पे रहती है, सारा टाइम वो ज्यादा एड्रीनलिन नॉर एड्रीनलिन सिक्रेट कर रही है, उससे हार्ट रेट बढ़ता है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है. तो आपकी जो बॉडी है वो जब हमारा बीपी बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, तो वो लेटर ऑन हार्ट डिजीज भी कॉज कर सकता है. तो इसलिए मतलब जो क्रॉनिक स्ट्रेस है उसको अवॉइड करना चाहिए. वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स, वो फिर बर्नआउट हो जाता है ना जी. तो ये सब चीज़ें मतलब स्ट्रेस और भी बहुत प्रॉब्लम्स कॉज करता है, मैरिटल प्रॉब्लम्स कॉज करता है, साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम्स कॉज करता है, बहुत सी अल्कोहल और अदर एडिक्शंस भी. कई लोग बोलते हैं कि हमें बहुत स्ट्रेस रहता है तो हम ये ले लेते हैं रिलैक्स करने के लिए. तो स्ट्रेस से तो बहुत सी चीज़ें कॉज होती हैं. इसके अलावा ये भी है कि जिन लोगों को हार्ट अटैक हो या जिन लोगों को स्ट्रोक हुआ है या ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या किसी तरह का कैंसर हुआ है, ये भी स्टडीज़ में देखा गया है कि जो लोग इकट्ठे मिलते हैं और थोड़ा सा पॉजिटिव सोचते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिनके साथ की जाती है, उनका 1 ईयर के बाद रिकवरी बहुत बेहतर होती है. लेकिन जो लोग थोड़ा नेगेटिव सोचते हैं हार्ट अटैक के बाद या कैंसर के बाद, उनकी रिकवरी भी कम होती है. तो आ माइंड प्लेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल. वी कैन हील आर सेल्व्स और वी कैन मेक आर सेल्व्स मोर डिजीज्ड. जैसे बोलते हैं कि हम अपने आप को पैनिक स्टेट में कर सकते हैं और 1 मिनट में ही रिलैक्स स्टेट में, हमारे ऊपर है. इट्स ऑल इन द माइंड. इट्स ऑल इन द माइंड. या थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल एंड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन विद अस.